सो गाइस, कल मैंने पूछा था कि आप लोग आज तक AWM से कितने सारे हेडशॉट्स मारे हो, मतलब ओनली ऑन हेडशॉट्स से किल्स मैंने बोला था, ठीक है ना। और भाई साहब, तो कोई कोई बंदा तो बोल रहा है 50 किल 60 किल। भाई भाई पागल, मतलब मेरे को सी समझ रहे हो क्या है? मतलब कुछ भी यार, कुछ भी समझ रहे ना, कुछ भी भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। So, मैं मानता हूँ कि आप लोग फेंकने में एक्सपर्ट हो, लेकिन यार इतना भी मत फेंको कि लपेटी ना सको, है ना। तो भैया जी, आज प्रॉपरली बताना कि कितने सारे हेडशॉट्स मारे हो। एक हेडशॉट बोला हूँ सिर्फ और सिर्फ AWM से, ठीक है। हेडशॉट वो भी AWM से, और वो भी एक मैच में, कितने सारे बताने नीचे कमेंट में। तो भाइयों और उनकी बहनों, आप लोगों का स्वागत है गाइस फिर से एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। एंड आज किस वाली गेम प्ले पे, मैं उतर चुका था ओल्ड बेसिन पे। उतरते गाइस मेरे को मिल जाता है एक ईएम और साथ में ही पुचुक पुचुक गन। अब मेरा जो टीममेट है वो लिपट चुका था, लेकिन ये जो टीममेट है ये ग्लोबल वाला टीममेट था। अब सामने की तरफ मेरे को एक बंदा दिख चुका था। अब इसको मैं मारने चाहता हूँ, लेकिन वो भाई साहब तगड़ा वाला कैंपिंग करके बैठा हो रहता है, लेकिन उसने गलती कर दिया। अगर वो वहां पर बैठा रहता ना, तो शायद ये मुझे मार सकता था, है ना। लेकिन इसने कॉन्फिडेंस दिखाया और बेचारे का पेटी बन गया। अब इसका पेटी तो बन गया, लेकिन इसका जो टीममेट है ना, वो भैया भूखे शेर की तरह मेरे पीछे पड़ चुका था। अब वो आएगा और मेरे पास हीलिंग भी नहीं है, तो देखो कैसे निपटाएंगे इसको भी। फाइनली इसका भी पेटी बना देता हूँ। इसी बात पे एक लाइक तो भाई बनता है, तो अभी के बीच जाओ वीडियो को लाइक मारो। और हाँ गाइस, आज किस वीडियो पे भी लाइक एम रखने वाला हूँ, तो आज किस वीडियो पे लाइक एम मैं रखता हूँ ओनली ऑन 200 लाइक, तो कर देना यार, दिल को सुकून मिल जाएगा। तभी मेरे को एक और बंदा दिख चुका था, और इन वाले भाई साहब को भी निपटाता हूँ और फुल फिनिश कर देता हूँ। अब तुम लोग देखते रहना यार, ओल्ड बेसिन पे मैं कितने सारे किल्स करने वाला हूँ। ओके, और भाई साहब मतलब एक एक मतलब टीम आता ही जा रहा है यार, एक एक करके। अब इसका जो टीममेट था वो अभी अभी आएगा। और फाइनली इसको भी निपटा देता हूँ। और कैसा लगा गाइस, दोनों टीम्स को मैंने निपटा दिया, है ना, मतलब दोनों डुओ के टीम्स को। और मेरा जो टीममेट है वो लिपट चुका था कब का। अब ये जो टीममेट था ना, ये मेरे को ग्लोबल में मिला, मतलब जो रैंडम टीममेट्स होता ना वो मिला, तो इसके साथ थोड़ा सा मैं मजे कर रहा था वॉइस चैट पे, मतलब माइक पे, तो आप लोगों को वो सुनाई नहीं देगा। आई डोंट नो मेरे फोन पे क्या ग्लिच है यार, सुनाई नहीं देता यार, पता नहीं क्या हो गया है। पहले सुनाई देता था, लेकिन अभी नहीं सुनाई देता। अब तभी मेरे को लाल वाले घर पे मेरे को बंदे दिखते हैं, जो कि वहां पर एक बंदा था कैंपिंग करके बैठा हुआ था। तो अपन ने सोचा कि चले और उसको भी निपटा के आते हैं। एंड जैसे मैं वहां पर निपटाने जाता हूँ, तो देखते रहना क्या क्या सीन होने वाला है। और देखते रहना यार, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड बेसिन पे मैं कितने सारे किल्स करने वाला हूँ। अब मेरे को ना सामने वाले घर पे भी एक बंदा दिख चुका था, ये जो स्क्वाड हाउस है ना, यहाँ से भी एक बंदा मेरे को दिख चुका था जो कि ऊपर में बैठा हुआ था। अब देखते रहना इसको भी कैसे निपटा दें। वो वाला भाई साहब वहां पर था, तो चलो मेरे को लोकेशन पता चल चुका था। फाइनली इस वाले बंदे को भी निपटा देता हूँ, क्या हो रहा है डूड। अब इस वाले बंदे को भी निपटा देता हूँ। निपटाने के बाद गाइस मैंने सोची चले यार, अब उनका भी किस्सा खत्म करते हैं। लेकिन जैसे मैं उनका किस्सा खत्म करने जाता हूँ, तभी ये वाला जीव वाला बंदा मेरे को दिख जाता है, और मैं सोचता हूँ चलो यार इसका भी पेटी बना के आते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि चलो यार एक नेट वगैरह करते हैं, लेकिन मेरे पास नेट नहीं था। तो अपन ने सोचा कि चलो स्टैंड ग्रेनेड करते हैं। जैसे मैंने स्टैंड ग्रेनेड किया ना, मैं सीधा रस बोल दिया, देखते रहना। ऊपर में चढ़ता हूं तो बंदा मेरे को नहीं दिखता, लेकिन बंदा यहां पर आ जाता है और इसको भी निपटा देता हूं बहुत ही प्यार से। अब इसको निपटाने के बाद मैं जैसे लूटा लड़ी करता हूं, तो तभी मेरा नजर पड़ता है वो देखो लाल वाले घर पे, और बंदा कहां पर है देख रहे हो भाई, जब तगड़ा वाला।
तगड़ा वाला कैंपिंग कर रहा है वो वाला बंदा, है ना। लेकिन उसको पता नहीं है यार, उसको भी मैं आराम से निपटा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार वहाँ पर जो बंदे चढ़े होते हैं उसको कैसे निपटाना पड़ता है। लेकिन देखते रहना, वो मेरे को करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। जैसे मैं आता हूँ ना यहाँ पर, बंदा खुद ब खुद नीचे कूद जाता है। और इन वाले भाई सबको भी बहुत ही प्यार से निपटा देता हूँ। अब जैसे मैंने निपटाया ना, तो मैंने सोचा कि चलो डीपी वीपी ले लेते हैं। जैसे मैं डीपी उठाता हूँ, तभी बॉट भाई साहब, इसका खुजली पहले मिटाना पड़ेगा। तो उसको भी निपटा देता हूँ। अब निपटाने के बाद गाइस मैंने सोचा कि चलिए यहाँ से निकलते, क्योंकि जोन भी आ चुका था। तो पहले तो भैया यहाँ पर थोड़ा सा ही मतलब हीलिंग वगैरह खोज लेता हूँ, है ना, क्योंकि अभी तक मेरे को कुछ भी अच्छा खासा हीलिंग नहीं मिला था, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला लूट करने को। यार बंदे ही आ रहे थे एक एक करके सारे के सारे। अब देखो सारे के सारे बंदे को निपटाता हूँ, उसके बाद मैं इधर को आता हूँ, तभी मेरे को इधर से एक बंदे का फुटस्टेप आता है, मतलब फायरिंग का आवाज़ आता है। तब ये वाला भाई साहब मेरे को दिख जाता है, इस वाले भाई साहब को तो कहते हैं सल्ले वगैरह स्टाइल में निपटा देता हूँ। अब निपटाने के बाद कैसे यहाँ पर मैं लूटा लड़ी कर लेता हूँ, और उसके पास लूटिंग था मतलब अच्छा खासा हीलिंग था, तो मैंने हीलिंग वगैरह उठा लिया और सीधा इधर को आ जाता हूँ। अब जैसे मैं इधर को आता हूँ, तभी सामने इधर मेरे को कुछ बंदे दिख जाते हैं जो कि फायरिंग वगैरह कर रहे थे, और रेड जोन भी था मेरे माथे के ऊपर। लेकिन गाइस गलत सीन यहाँ पर क्या होने वाला है, तुम लोग देखते रहो बस। अब एक बंदा इस वाले घर के अंदर में था, तो मैंने सोचा चलो नेट करते हैं। लेकिन गाइस नेट से कुछ हुआ नहीं, लेकिन तभी मेरे को बंदा दिख जाता है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। अब क्या ही बोलूं गाइस, उसके हाथ में एस्ट्रल के था, और ऊपर से पीछे से यूजीआई वाले ने भी मार दिया। अब क्या ही कर सकते हैं। बाकी यार आ चुके थे इस वाले गेम प्ले भी जुड़ चुका था, वो आ रहा उस पे उतरते गाइस मेरे को मिल जाता है शॉटगन। और ये वाला भाई साहब, इस वाले भाई साहब का क्या ही तगड़ा माइनस लगा होगा बेचारे का, है ना। क्या ही कर सकते हैं, बेचारा मर गया यार। कभी कभी मैं भी मर जाता हूँ, तगड़ा वाला माइनस लगता है उनका भी। अब देखो यार इसको निपटाता हूँ, उसके बाद मैं लूटा लाटी करता हूँ। और एक बंदा ना बाहर से फायरिंग किए जा रहा था। लेकिन गाइस वो देखो क्रेट, ये जो क्रेट है ना वो उसी ने ही बनाया था जो बंदा इधर से फायरिंग कर रहा था। अब ये जो बंदा था ना फायरिंग किए जा रहा था, तो अपन ने सोचा कि नहीं यार इसका पेटी तभी बनाएंगे जब अच्छा खासा मेरे को लूट मिल जाएगा। तो इसीलिए पहले तो भैया लूटा लाटी कर लेता हूँ, वेस्ट वगैरह खोज लेता हूँ अच्छे से। उसके बाद गाइस अपन ने सोचा कि चलो यार इसका पेटी बना के रहते हैं, और देखना बंदे के हाथ में क्या होता है। देखा गाइस S12 के होता है इसके हाथ में, तो अच्छा खासा मतलब डिस्टेंस मेंटेन किया मैंने, दूर से मारा इसीलिए मैं मार सका उसको। ले तो क्लोज फाइट में तो मैं ही मरता, क्योंकि S12 कैसे भैया पंगा नहीं लेने का, है ना, क्लोज रेंज में। अब देखो यार S12 को मैंने उठा लिया, उठाने के बाद मैं सीधे उधर को आता हूँ, और तभी मेरे को सामने की तरफ कुछ बंदे दिखते हैं जो कि भैया फायरिंग वगैरह कर रहे थे। तो अपन ने सोचा चलो यार निपटा के आता है। तभी बॉट भाई साहब मेरे को दिखता है, इसका खुजली तो मिटाना पड़ेगा पहले तो। अब इसका खुजली मिटाता हूँ, लेकिन तभी भाई साहब दूसरे वाले बंदे का खुजली स्टार्ट हो जाता है, और वो मेरे पे तगड़ा वाला फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। और मेरे पास ना हीलिंग वगैरह नहीं था, तो अपन ने पहले तो भैया कुछ भी करके हीलिंग वगैरह जुगाड़ किया, और उसके बाद सीधा उस पर रस बोल दिया। अब देखते रहना इस वाले बंदे का सीन देखना, ठीक है। मतलब अपना मतलब माइनस बचाने के लिए ये क्या क्या करता है देखो सिर्फ तुम लोग, है ना। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, और जैसे मैं बगी खड़ा करके उसके ऊपर रस बोलने चाहता हूँ, तभी देखना क्या करता है वो। भाई साहब बगी लेके भग गए यार। अब इन लोगों को भैया क्या ही बोलो यार, इन लोगों की वजह से ना भैया जी मतलब किल नहीं मिलता यार, मतलब बगी लेके भाग गया यार। लड़ो ना प्लीज लड़ो, मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग लड़ो मेरे साथ, है ना। अब उसके बाद मैं इधर को हाजिर था हल्दी वाला गाड़ी पकड़ के, और इधर को मैं जैसा तो या तो फ्लायर गन भी मतलब फ्लायर ड्रॉप भी चला था। और ये देखो उसका ही बगी, मतलब मेरा बगी था ये पहले, लेकिन उसका लाश यहाँ पर पड़ा हुआ था। तब ये वाला बंदा यहाँ पर ना इस वाले ड्रॉप पे था AWM, लेकिन जैसे मैंने देखा कि AWM है ना इसमें, तो भैया मतलब AWM मेरा सपना रह गया यार, सपना बन के रह गया मेरा AWM, क्या बोलो यार। यो छपरे यूट्यूबर्स, said I'm breaking down.
everybody knows my heart's faking now. She hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. That's the only way I know, feeling low, about to blow back. Creeping, gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off, best friends. I don't really understand myself. Like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my mind go. Enemy down. Now. I just wanna be the best, call me great now. Enemy down. On the playground, hoping I can find my way. Even when I'm feeling now. Down, I fight. Even when I don't know what is. Pick a side. Enemy. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. Enemy down. I'm alright. It's so cold outside. I'm alone.